हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है और आपका मेरे चैनल मिस्टर मिशन में एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप सभी का मेरे तरफ से और भैया की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स यानी कि 500,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो आपका बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे पिरामिड्स को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे कई सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि यार पिरामिड्स को सॉल्व करना सिखाओ। मैंने ऑलरेडी कई सारे क्यूब्स के ट्यूटोरियल डाल रखे हैं, जैसे कि 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, ऑलमोस्ट सारे सिखाए हैं। तो आप लोगों ने कहा पिरामिड्स सिखा दो, तो मैं पिरामिड्स का भी ट्यूटोरियल ले आया हूँ। और ट्रस्ट मी, पिरामिड्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है, यानी आप ये बाएं हाथ का खेल है, तो आप इजीली सीख सकते हैं। एंड हाँ यार, मुझे पता है कि काफी दिन से हम लोग रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहे हैं, तो उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये कि हम लोग काफी सारे फैमिली वर्क में फंसे हुए हैं, काफी सारे उन वर्क होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग रेगुलरली वीडियोस डाल सकें। बस एक बार सारे काम फिनिश हो जाए और हम लोग का माइंड एकदम फ्री हो जाए, तो हम लोग एकदम रेगुलरली वीडियोस डाल पाएंगे। तो बस जल्दी से सारे काम हो जाए और वीडियोस रेगुलर आ सकेंगे। तो चलिए खैर, आज की ट्यूटोरियल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पिरामिड्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है। लाइक अगर इसके पहले आपने कोई भी क्यूब सॉल्व किया होगा, चाहे वो 2x2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी हो, उन सब में सबसे ज्यादा आसान होता है पिरामिड्स को सॉल्व करना। तो आपको सिखाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ, जैसा कि हम लोग को हमेशा बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए कोई भी क्यूब के बारे में, तो पिरामिड्स के बारे में भी मैं आपको वो बेसिक चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए कितने टाइप के पीस होते हैं। तो अगर आपने 3x3 वगैरह सॉल्व किया होगा तो आपको पता है हमारे क्यूब में एक होता है सेंटर पीस, एक होता है एच पीस, एक होता है कॉर्नर पीस। तो सेम यहाँ पे भी होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख के ही बता सकते हैं कौन से हमारे कॉर्नर पीसेस हैं। तो ये हमारे कॉर्नर पीसेस हैं, जो एकदम कॉर्नर में हैं, वो सारे हमारे कॉर्नर पीसेस होते हैं। तो देख सकते हैं कॉर्नर पीस की खास बात ये कि वो अपनी जगह पे ही मूव हो जाते हैं। तो अगर आपका कॉर्नर पीस कभी अनसॉल्व्ड है तो आप उसे सिंपल से ऐसे घुमा के ही कॉर्नर पीस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग को कभी कॉर्नर पीस को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, वो अपने आप ऐसे मूव होकर अपने सही जगह पे आ जाता है। जो दूसरा होता है वो होता है हमारा सेंटर पीस। अब आप जानते हैं सेंटर पीस हम लोग के जो 3x3 में होता था वो अपनी जगह से कभी मूव नहीं होता था, सेम यहाँ पे भी सेंटर पीस अपनी जगह से कभी मूव नहीं होगा। तो आप मैं आपको बताता हूँ सेंटर पीस यहाँ पे कौन से हैं। सेंटर पीस हमारे ये तीन है, आप देख सकते हैं जिनके सिर्फ आपको सिंगल कलर्स दिख रहे हैं, ये हमारे सेंटर पीस है। और अगर आप लाइक ऐसे मूव करते हैं क्यूब को कैसे भी, पिरामिड्स को, तो वो अपनी जगह से मूव नहीं होंगे। देख सकते हैं वो अपने ही जगह पे, अगर वो इधर है तो वो यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे सेंटर पीस हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे सेंटर पीस हो गए, यहाँ पे हमारे ये सेंटर पीसेस हो गए, है ना, यहाँ पे हमारे ये सारे आप देख सकते हैं, ऐसे देखिए ये हमारे सेंटर पीसेस हो गए। और लास्ट जो होता है वो होता है हमारा एच पीस। एच पीस हमेशा दो कलर का होता है, जैसे कि 3x3 में होता था, ये हमारा एच पीस है। देखिए यहाँ पे एक रेड दिख रहा है और यहाँ पे एक ग्रीन दिख रहा है, देख सकते हैं। तो ये हमारा एच पीस हो गया, ये हमारा एच पीस हो गया, ये हमारा एच पीस हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा एच पीस हो गया, ये हमारा एच पीस हो गया, ये हमारा एच पीस हो गया। तो आप एच और सेंटर में कंफ्यूज मत होइएगा, सेंटर का सिर्फ सिंगल कलर यहाँ पे दिख रहा है, एच के हमेशा हम लोग को दो दो कलर दिखते हैं, ठीक है, दो सेंटर के बीच में एक एच पीस होता है। नाउ ये तो आप पीसेस के बारे में जान गए। अगर मैं लेयर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो बेसिक फंडा हमारा पिरामिड्स को सॉल्व करने में होता है वो लेयर बाय लेयर ही होता है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ दो लेयर सॉल्व करनी है। पहली लेयर ये हमारी बॉटम वाली लेयर हो गई, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे नीचे से, फिर अपने आप आपको ये वाली लेयर सॉल्व करनी होगी। ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये अपने आप जैसा कि मैंने कहा कॉर्नर अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टेप्स क्या होते हैं पिरामिड्स को सॉल्व करने के, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आपका पिरामिड्स एकदम मिक्स रहेगा आपको ये वाली लेयर को सॉल्व करना होगा, बॉटम लेयर को, ठीक है, जो हमारी पहली लेयर है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका बस इतना हिस्सा बचेगा, वहां से आपको सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना होगा, यानी कि यहाँ मतलब आपका लाइक ये वाला सॉल्व हो गया पूरा। उसके बाद जब ये सॉल्व करने की बारी आएगी तो आपको ये लेयर बाय लेयर नहीं सॉल्व करना होगा, आपका समझ लीजिए पिरामिड्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ आपको तीन केसेस मिलेंगे जब आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ये तो हम लोग इंट्यूटिवली सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए कोई एल्गोरिथम है ही नहीं, ठीक है। ये जब बारी आएगी सिर्फ तीन केस मिलेंगे, उन्हीं तीन में कोई आपका एक होगा, फटाक से आप वाला छोटा सा एल्गोरिथम लगाएंगे, आपका पिरामिड सॉल्व। तो दो स्टेप है, पहला बॉटम वाला और दूसरा वो एल्गोरिथम वाला, इसके अलावा आपको कुछ नहीं ज्यादा इसमें आपको तामझाम नहीं करना है, ज्यादा याद वाद नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बेसिक चीज बताने वाला हूँ। हाँ, उस बेसिक चीज को बताने से पहले मैं आपको एक नोटेशन भी बता देता हूँ। वैसे तो आप सभी को नोटेशन पता ही होते हैं, राइट क्या होता है, राइट प्राइम क्या होता है, लेकिन आप 3x3 वगैरह जानते हैं, मैं आपको पिरामिड्स का भी बता देता हूँ। जब भी कहीं आर लिखा होगा, यानी जब मैं राइट नोटेशन की बात करूंगा, तो आपको ये राइट वाली लेयर अपनी ऐसे क्लॉक वाइज टर्न कर देनी है। ये हमारा आर था, ठीक है, ये हमारा आर प्राइम हो गया, सिंपल है, आर R प्राइम। वैसे मैं अगर लेफ्ट की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए L, क्लॉक वाइज हम लोग टर्न किए लेफ्ट वाले लेयर को, L प्राइम। सेम यहाँ पे U,
यू प्राइम। तो बस आपको ये बेसिक जानना है, ठीक है, और इतना ज्यादा इसका जरूरत नहीं पड़ता जैसा कि हमारा थ्री वगैरह में पड़ता था। ये ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा बट थोड़ा तो रहेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नाउ स्टार्ट करने से पहले, मीन्स आपको सिखाने से पहले, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। वो चीज समझ लीजिए बहुत सिंपल सा एक एल्गोरिथम है, मतलब उसे हम लोग कहते हैं राइट हैंड एल्गोरिथम। अगर आप राइट हैंड एल्गोरिथम समझ गए मतलब तो आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि चार से चार छोटे से मूव का है। समझ लीजिए आपका 50% पिरामिड्स उसी से सॉल्व हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कई लोग इसके बारे में शायद जानते भी नहीं है, लेकिन अगर आप ये चीज जान गए तो आप समझ लीजिए अपना मोस्टली पिरामिड्स आप अपने इसी एल्गोरिथम से ही सॉल्व कर देंगे। तो जब भी मैं राइट हैंड एल्गोरिथम की बात करूं, आपको क्या करना होगा, राइट वाली लेयर को नीचे, लेफ्ट वाली लेयर को नीचे, ठीक है, देखा आपने, फिर यही राइट वाली लेयर को वापस ऊपर, लेफ्ट वाली लेयर को वापस ऊपर, ठीक है। तो ये चार छोटा सा मूव आपका राइट हैंड एल्गोरिथम को कंप्लीट करता है, और ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो मैं एक बार फिर से बताता हूं, आर प्राइम एल आर एल प्राइम, ठीक है। तो अगर आप इसको यू नो तीन बार सही से करते हैं तो देखिए क्यूब अपने वापस सही वाले पोजीशन पे आ जाएगा। तो यही था, ये नीचे, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, और इसी का समझ लीजिए एक मिरर भी है। अगर मैं लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम की बात करूं तो आपको अपने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना होगा। तो पहले आप इसको अब नीचे करेंगे, तो एल आर प्राइम एल प्राइम और आर, ये नीचे, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर। तो बस मैंने लेफ्ट से शुरू कर दिया, तो यू नो इसको भी अगर आप तीन बार करते हैं तो क्यूब अपने सही पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो मैं आप दूसरी बार देखिए ऐसे कर रहा हूं, है ना, ये मेरा लेफ्ट एल्गोरिथम है। अगर मैं एक बार और करता हूं तो मेरा पिरामिड्स अपने सही पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो जब मैं राइट हैंड एल्गोरिथम की बात करूं तो राइट पहले स्टार्ट करिएगा, लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम की बात करूं तो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा। बस यही आपको जानना था, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी आप देखेंगे कि आपके कितने काम आने वाला है। तो बस आपको ये बेसिक चीजें जानना था। आई नो कि मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम लगा दिया, लेकिन यू नो बेसिक्स हमेशा जरूरी होते हैं। अब मैं पिरामिड्स को मिक्स करता हूं और आपको बताता हूं कि आप पिरामिड्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस यहां पे मैंने पिरामिड्स को देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर दिया है। वैसे तो जानते हैं पिरामिड्स ज्यादा मिक्स भी नहीं होता, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन जितना मैंने मिक्स यहां पे कर सकता था मैंने यहां पे मिक्स कर दिया है। अब अगर आपके सामने एक पिरामिड्स हो जो कि अनसॉल्व पड़ा है और आपको सॉल्व करना है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ आप इन कॉर्नर पीसेस को उनके सही कलर से मैच कर दीजिए। यानी कि जैसे यहाँ पे मेरे सामने से मेरे को येलो दिख रहा है, देखिए मैं इसको ऐसे मिला दूंगा, अपने आप ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। ये कॉर्नर देखिए नहीं मिल रहा है, मैं इसको ऐसे टर्न करूंगा, ये मिला दूंगा, ये भी मिल गया। ऐसे चारों को करना है, इसको मैं इससे मिला दिया और इसको मैं इससे मिला दिया। आप इसमें कोई वो भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि इसको कैसे करना है यार, आप इसको इंटुइटिवली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे आपको दिख रहा है कि अपने सही जगह पे नहीं है, इसको आप सिंपली ऐसे टर्न करिए और इसके राइट कलर से मैच कर दीजिए। अब मेरा ये कॉर्नर अपने जगह पे सेट हो चुका है। तो ये चीज आप एकदम एंड में भी कर सकते थे, लेकिन अभी से आप करे रहेंगे तो आपका यू नो टाइम भी बचेगा और आपका क्यूब जल्दी से मतलब यू नो आपको दिखेगा कि सॉल्व हो रहा है। तो मैंने पहला स्टेप मेरा क्या था, मैंने कॉर्नर्स को मैच कर दिए उनके ये सेंटर पीसेस से। अब आपको क्या करना है, तीन सेंटर पीस को अपनी सही जगह रखना है। जैसे कि आप लोग देखते हैं, जैसे जब सॉल्व रहता था तो तीनों कलर ऐसे सेम होते थे, तो आपको वही करना होगा। अब आप किसी भी कलर से शुरू कर सकते हैं, चाहे आप रेड से शुरू करिए, चाहे आप येलो से, लेकिन यू नो मेरा क्या है, मैं हमेशा येलो से सॉल्व करता हूं, मैंने अपना माइंड यू नो कर लिया। वैसे आप किसी से भी कर सकते हैं, जो आपको फास्ट उस समय दिख रहा हो कर सकते हैं। अगर आप अभी स्टार्ट करें तो आप भी येलो से कर लीजिए, आपको ट्रैक करने में आसानी होगा, आप मेरा एकदम यू नो देख के कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा। तो अब येलो से स्टार्ट करना, यानी मैं तीनों येलो सेंटर पीसेस को अपने सही जगह पे लाऊंगा। लेकिन आपको ये तो पहले समझना होगा ना कि सेंटर पीस वो बनेगा कहाँ पे। लाइक अगर यहाँ पे भी ऐसे तीन येलो बन सकते हैं, यहाँ पे भी बन सकते, कहीं भी बन सकते हैं। तो ये जानने का बहुत छोटा सा यू नो ट्रिक है, जो कि क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप ये अब येलो से आप बना रहे हैं, आपने माइंड बना लिया कि आपको येलो से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप वो अलग कॉर्नर पीस ढूंढ लीजिए जिसमें येलो कलर ना हो। तो ये कॉर्नर पीस देखते हैं, इसमें ब्लू है, रेड है, येलो है, तो ये वो कॉर्नर है जिसमें येलो है, तो ये वाला मेरे को नहीं चाहिए। दूसरा देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ग्रीन रेड येलो, इसमें भी येलो है तो ये भी मेरे काम का नहीं है। ये देखते हैं ग्रीन ब्लू येलो, ये भी है, तो यानी कि ये वाला जो है रेड ब्लू और ग्रीन, इसमें हमारा येलो कलर नहीं है। यानी कि ये जहां पे है इसके ठीक अपोजिट वहीं पे येलो कलर बनेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है इसका ठीक अपोजिट कौन सा साइड होगा, ये वाला साइड होगा, इसका अपोजिट ये वाला होगा, यानी कि यहीं पे मेरा येलो बनने वाला है। तो मैं सीधा पकड़ता हूँ क्यूब को, अभी देखिए यार एक भी येलो सेंटर पीस नहीं है, लेकिन आप उसे ला सकते हैं। कैसे, पहले मैं यहाँ पे लाता हूँ, सिंपल मूव करूंगा, ये देखिए मेरा पहला येलो आ गया। एक और येलो लाते हैं, यहाँ पे अगर येलो लाना है तो चेक करिए, अभी नहीं आया, अब आ गया। यहाँ पे भी येल्लो आना चाहिए, चेक करते हैं, अभी नहीं आया, अब आ गया। देखिए तीन येल्लो यहाँ पे आ चुके हैं। मैं पहला वाला सिंगल मूव में ले आया था, इसको भी लगभग दो बार में, इसको भी लगभग दो बार में, तो चार से पांच बार में आप मूव करेंगे आपका
ये सही जगह पे आ जाएगा। अगर आप गलत जगह बना रहे होंगे तो आप मूव करते रहेंगे, वो येल्लो आपको नहीं मिलने वाला, वो दूसरे जगह पे रहेगा। तो यही एक टेक्निक है सिंपल सी, वो कॉर्नर पीस जिसमें येल्लो नहीं है उसके ठीक अपोजिट साइड, इसमें येल्लो नहीं था तो इसके ठीक अपोजिट साइड यहीं पे मेरा येल्लो कलर बनेगा। तो अब मैंने यहाँ पे येल्लो के सेंटर को मैच कर दिए हैं। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा येल्लो कलर हमारे पिरामिड्स का थोड़ा ऐसा होता है कि लाइट बड़ी शाइन कर रही है इस पे, लेकिन यू नो आपको दिख रहा है ये येल्लो कलर है। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपका था कॉर्नर को मैच करना, दूसरा स्टेप आपका था सेंटर्स को मैच करना। अब मेरे तीन सेंटर आ गए हैं, अब मुझे एच पीसेस को सेट करना है। एच पीसेस को सेट करना, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एच पीस सेट है, ये वाला ऐसा यू नो तुक्के में बैठ गया कि हमारा यहाँ पे ये एच पीस सेट है। ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रेड येल्लो वाला एच पीस सेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये ग्रीन येल्लो भी सेट है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो एच पीस है ये यहाँ पे सेट नहीं है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था येल्लो ब्लू, अगर आप सही देखें, क्योंकि ये ब्लू कलर जा रहा है पूरा, ये येल्लो है तो यहाँ येल्लो होता और यहाँ पे ब्लू होता। तो जैसे ही मेरे यहाँ पे तीनों सेंटर पीसेज अपने सही जगह पे आ गए, यू नो येल्लो का मैं कर रहा हूँ हमेशा, तो अगर मैं येल्लो के तीनों सेंटर को अपने सही जगह पे ला दिया, अब एच को करना होगा, इसको मैं कर दूंगा ऐसे बॉटम लेयर में, यही मेरी बॉटम लेयर होने वाली है। येल्लो कलर मेरा यहाँ पे नीचे चला जाएगा और मेरे क्यूब को पकड़ने की सही पोजिशन ये हो जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एच पीसेस को अपनी सही जगह पे लगाना होगा, ठीक है। ये वाला एच पीस अपने सही जगह पर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये वाला अपने तरफ रखूंगा जहां मुझे पीस को डालना है, और मैं येल्लो वाला एच पीस ऊपर वाले लेयर में पहले ढूंढूंगा, ये बीच वाले लेयर में, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीन और रेड है, यानी ये येल्लो वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए ये ब्लू और ग्रीन है, ये भी येल्लो वाला नहीं है, ये हमारा येल्लो ब्लू है। यहाँ पे हमें येल्लो ब्लू चाहिए था, वो पीस यहाँ पे है। तो जब भी आपको येल्लो कलर वाला पीस दिख जाए ऊपर वाली लेयर में, आपको इसमें इंसर्ट करना होगा जो मैंने सबसे पहले बताया था राइट हैंड एल्गोरिथम, वही आपको यूज करना होगा। पीस अपने आप यहां से यहां पे अपने सही जगह पे आ जाएगा, ये येल्लो ब्लू वाला पीस जो कि यहां होना चाहिए वो अपने आप आ जाएगा। अब एक चीज और, आपको राइट हैंड एल्गोरिथम लगाना है कि लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम लगाना है, ये चीज देखना होगा। ये कैसे पता चलेगा, अगर येल्लो कलर जो हमारा बॉटम है वो आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा है तो आपको राइट हैंड एल्गोरिथम लगाना होगा। यही येल्लो अगर हमें लेफ्ट साइड दिख रहा होता, ठीक है, अगर ये मान लीजिए येल्लो यहाँ नहीं होता, यहाँ होता, मैं इसको यहाँ लाता, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तो मैं लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम लगाता। तो बहुत सिंपल है, मेरा बॉटम में चला गया येल्लो कलर, पीस यहाँ है, यहाँ डालना है ये 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 और ये। जैसे ही मैंने राइट हैंड एल्गोरिथम लगाया, देखिए मेरा येल्लो ब्लू वाला पीस अपने आप सही जगह पे आ गया। तो बहुत सिंपल था, आप देख के सोच रहे होंगे ना कि कितना आसान था, तो यही मैं शुरू में कह रहा था कि राइट हैंड एल्गोरिथम इसीलिए इतना ज्यादा यूजफुल है। ये पीस अपने आप यहाँ से आ गया। अब तो देखिए यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बॉटम लेयर पूरी सॉल्व हो गई, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डो पहले से बना था, ये तो रेयर केस है, ऐसा जल्दी आपको मिलेगा नहीं। तो मैं आपको पीस को फिर से दिखाता हूँ कि आपको और केसेस जो मिलेंगे उसमें आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो और मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा वो वाला केस ला दिया जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने अभी अभी एक डाला था ना येल्लो ग्रीन वाला, अब मान लीजिए मेरे को दूसरा डालना होगा कोई, अब फिर से मुझे ऊपर वाली लेयर में पीस ढूंढना है, यहाँ पे कौन सा पीस आना चाहिए, नीचे ही आप हमेशा रखेंगे येल्लो को, यहाँ होना चाहिए रेड येल्लो। ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पूरा येल्लो का सेगमेंट है तो ये येल्लो होगा, ये पूरा रेड का सेगमेंट है तो यहाँ पे रेड होगा, तो येल्लो रेड वाला पीस चाहिए। अब येल्लो रेड वाला पीस हम लोग ढूंढते हैं, ये येल्लो रेड है नहीं, ये येल्लो ब्लू है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिर से देखते हैं ये क्या येल्लो ग्रीन है, ये तो रेड ग्रीन है तो ये भी अपने काम का नहीं है, ये हमारा रेड येल्लो वाला पीस है जो कि यहाँ पे आना है। अब देखिए यही मैं कह रहा था, रेड येल्लो मिल गया, लेकिन अब की यहाँ पे येल्लो कलर नहीं दिख पा रहा है, अब की येल्लो कलर यहाँ है, मैंने बोला था अगर येल्लो नीचे है तो वो यहाँ पे होना चाहिए, सामने आपके तरफ होना चाहिए, तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, अब येल्लो आपके सामने हो गया। लेकिन अब यहाँ पे था तो राइट हैंड एल्गोरिथम लगाया था, यहाँ पे है तो लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम लगाएंगे। तो हमेशा जो भी कलर आप बॉटम से सॉल्व कर रहे हैं उसको सामने हमेशा लाना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता सामने तो मैं यहीं रखता, लेकिन यहाँ सामने नहीं आ पा रहा है तो मैं इसको यहाँ रखूंगा और पीस को यहाँ आना है। अब देखिए बहुत सिंपल, लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम, लेफ्ट नीचे राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर राइट ऊपर, और ये हमारा सही पोजिशन पे आ गया, येल्लो रेड अपने सही जगह पे आ गया। तो येल्लो रेड अपने सही जगह पे आ गया, ग्रीन येल्लो अपने सही जगह पे आ गया, अब यहाँ पे होना चाहिए ब्लू येल्लो, राइट। यहाँ पे देखिए ब्लू तो मैच हो रहा है, ये ग्रीन है तो ये अपने काम का पीस नहीं है, फिर से इसमें ढूंढेंगे। हाँ हो सकता है आपको वो पीस इसमें ना मिले, इन तीनों जगह पे आपको वो पीस ना मिले, वो बॉटम लेयर भी मिल सकता है, तो वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसको बॉटम से वापस ऊपर कैसे लाएं और फिर कैसे सॉल्व करें, लेकिन अभी मान के चल रहे हैं कि हम लोग को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है येल्लो ब्लू वाला फिर से, तो हमें कहाँ पे डालना है, ये पीस यहाँ पे डालना है, तो हम लोग इसके ठीक सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ आ गया, अब येल्लो कलर देखिए, येल्लो ब्लू ये भी है, इसको यहाँ पे डालना है, कलर एकदम मैच कर रहा है, यानी क्या लगेगा, राइट हैंड एल्गोरिथम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड एल्गोरिथम को लगाते हैं,
और ये देखिए आराम से ये हमारा यहाँ पे पीस आ गया। अब हमारी बॉटम लेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी बन चुकी है, ये पूरा येलो कलर बन गया यहाँ पे और यहाँ पे ये पूरा अच्छे से बन गया। पहला स्टेप आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। और हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कभी कभी आपके साथ होगा कि आपको नीचे सॉल्व नहीं है लेकिन आपको वो ऊपर वाले लेयर में नहीं मिल पाएगा, वो नीचे ही कहीं होगा बस गलत जगह पे होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो गाइस देखिए जो मैं बता रहा था कि आपके साथ कभी कभी ऐसा हो सकता है, अभी देखिए मेरा नीचे पूरा नहीं बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए गलत जगह पे है, लेकिन अगर मैं जब पीस ढूंढने जा रहा हूँ तो मुझे ऊपर कहीं नहीं दिख रहा है, ना इसमें येल्लो कलर कहीं है, ना मतलब ये येल्लो वाला एच पीस नहीं है, ना ये येल्लो वाला एच पीस है और ना ही ये येल्लो वाला एच पीस है, यानी कि वो पीस ऊपर नहीं है तो वो नीचे ही है। अब वो पीस यहाँ पे है, येल्लो और ब्लू है, ठीक है, ये तो अपनी जगह पे सही था, लेकिन देखिए ये येल्लो ग्रीन है जो कि येल्लो ब्लू होना चाहिए था, और ये येल्लो ब्लू है जो कि येल्लो ग्रीन होना चाहिए था, यानी ये दोनों अपने अपने गलत जगहों पे हैं, है ना, ये वाला तो एक तीसरा अपने सही जगह पे है लेकिन ये दोनों गलत जगह पे है, तो इन्हें मुझे पहले बाहर निकालना होगा, बाहर निकालना यानी मुझे सेकंड वाली इस वाली लेयर में लाना होगा। जब इस वाली लेयर में आ जाएगा तो जो मेरा सही तरीका होता है इंसर्ट करने का पीस को, वो मैं ऐसे इंसर्ट कर दूंगा। तो ये गलत वाला आप ऐसे अपना अपने सामने की तरफ रखिए, अपना राइट हैंड एल्गोरिथम लगा दीजिए, क्या होगा उससे देखिए, ये पीस यहाँ पे है, राइट हैंड एल्गोरिथम लगाता हूँ और देखिए मेरा वो पीस यहाँ पे बाहर आ गया। अब यहाँ पे मुझे मेरा पीस मिल गया है, तो अब मैं इसे अपने सही जगह पे डाल दूंगा, अपने आप मेरा सही हो जाएगा और मैं अपने जो मेरा प्रोसीजर होता है मैं उस पर आ जाऊँगा। तो अब देखिए येल्लो ग्रीन, तो येल्लो ग्रीन कहाँ पे जाएगा, येल्लो ग्रीन यहाँ पे जाएगा, तो इसको मैं सामने रखता हूँ, येल्लो ग्रीन को लाता हूँ, येल्लो मेरे सामने यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम लगेगा। बस मैंने पीस को भी बाहर निकाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, तो आप इसमें बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। मेरा येल्लो वाला पीस मेरे को मिल गया ऊपर वाली लेयर में, येल्लो ग्रीन यहाँ पे आना चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम ये और ये, जैसे ही मैं लगाया देखिए यहाँ पे मेरा येलो ग्रीन वाला अपने सही जगह पे आ चुका है और अपने आप मुझे फिर से एक पीस यहाँ पे बाहर मिल गया है। नहीं मिलता तो मैं बाहर निकाल लेगा, तो अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू येलो, तो ब्लू येलो कहाँ पे जाएगा, ब्लू येलो यहाँ पे जाएगा, तो मैं लाता हूँ ब्लू येलो, यहाँ पे येलो मेरे फ्रंट में हो गया, क्या लगेगा, राइट हैंड एल्गोरिथम टैं 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 हो गया। यहाँ पे देखिए मेरा पूरा बॉटम वाला लेयर जो है, मतलब मेरा फर्स्ट लेयर जो है यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो इसमें कुछ नहीं था, वही राइट हैंड एल्गोरिथम वही लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम से आप पूरा बॉटम वाली लेयर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, इसमें ज्यादा आपको टाइम भी नहीं लगने वाला क्योंकि ज्यादा आपको 3-4 ही सेट करने होते हैं, है ना, तो आपका ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे। हमारा सेकेंड स्टेप क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब जब आपका ये बॉटम लेयर सॉल्व हो गया, आप क्या करिए, आप मून के फिर से आपको एक चीज करने को कह रहा हूँ, फिर से आपको वही चीज करना है, जैसे कि यहाँ देखिए दो ब्लू अपने सही जगह पे है, दो ग्रीन अप सेंटर अपने सही जगह पे है, दो रेड अपने सही जगह पे है, तो इनको इनके सही सेंटर से मिला दीजिए, यानी अभी ये देखिए यहाँ भी रेड होता तो ये अपने सही सेंटर पे होता। क्या करूंगा, इसको ऐसे मूव करूंगा, अब ये तीन अपने सही जगह पे हो गए, ये भी अपने सही जगह पे हो गया, ये भी अपने सही जगह पे हो गया, है ना, सब अपने सही जगह पे, ये तो खैर सॉल्व ही है। जैसे ही आप ये चीज कर लेंगे, जैसे ही आप सेंटर पीसेस को मिला लेंगे, यहां से आपके तीन केसेस बनते हैं। तीन केसेस को पहचानना बहुत आसान है, उनके एल्गोरिथम बहुत आसान है, जो भी आपका केस बैठेगा एल्गोरिथम लगाइए, आपका पिरामिक्स वहां से पूरा सॉल्व। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला वाला कौन सा यहाँ पे केस आया है। तो देखिए चलिए मैं आपको इसी से स्टार्ट करके बता देता हूँ, पहला हमारा जो केस है उसमें क्या होगा। अच्छा, अब आप देख रहे हैं आपके पिरामिक्स में बचा क्या सॉल्व होना, बस ये तीन एच पीसेस, इन्हीं तीन एच पीसेस पे ही सारे केसेस बनेंगे, वो तीनों केसेस, क्योंकि ये सेंटर अपने सही जगह पे है, ये कॉर्नर अपने सही जगह पे है, ये सेंटर अपने सही जगह पे है, बच जो रहा है वो सिर्फ ये तीन एच पीसेस बच रहा है, ये वाला और ये वाला, इन्हीं पे आपका केस बनने वाला है। तो आपको क्या, अब ये देखिए पहला केस आप कैसे पहचानेंगे, पहला केस हमारा ये है कि कोई भी एच पीस अपने सही जगह पर नहीं है, यानी कोई कलर मैच नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे रेड ब्लू होना चाहिए था तो यहाँ रेड ब्लू नहीं है, यहाँ पे देखिए ब्लू ग्रीन होना चाहिए था तो यहाँ ब्लू ग्रीन नहीं है, यहाँ पे ग्रीन रेड होना चाहिए था, है ना, तो यहाँ पे ग्रीन रेड नहीं है, यानी कोई भी अपने सही जगह पर नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे मैं अब आपको बताता हूँ, सिंपल सा एल्गोरिथम है, बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप उस एल्गोरिथम को लगाएंगे अभी आप देखिए क्या होता है, तो आपको मैं एल्गोरिथम बताता हूँ। आप इस समय पिरामिड्स को किधर से भी ऐसे पकड़ सकते हैं, बस आपका येलो बॉटम पे ही रहे, चाहे आप ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि तीनों अपने गलत जगह पे हैं। क्या करिए, आपको मैं एल्गोरिथम बताता हूँ, फॉलो करिए। राइट वाले को नीचे करिए, फिर यू प्राइम, फिर राइट वाले को वापस ऊपर कर दीजिए, फिर यू प्राइम, फिर राइट वाले को नीचे कर दीजिए, यू प्राइम और फिर राइट वाले को वापस से ऊपर कर दीजिए। देख सकते हैं आपका पिरामिक्स यहाँ पे सॉल्व हो गया है।
मैंने क्या किया, ये नीचे ये इधर, फिर ये ऊपर फिर ये इधर, फिर नीचे फिर इधर और फिर ऊपर, मतलब ये बार बार नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है, राइट है ना, ये ऐसे ऐसे करना है और ये वाला आपका ऐसे बार बार मूव होता जाएगा। तो आपने पैटर्न देख लिया होगा, माइंड में आपके सेव भी हो गया होगा, ये नीचे किया था फिर इसको इधर, फिर इसको वापस ऊपर किया इसको इधर, फिर इसको नीचे इधर किया ये इधर और वापस ये वाला ऊपर चला गया। इसको आप करेंगे, देखिए आपका पिरामिड सेफ है, पूरा सॉल्व हो गया। हाँ, कभी कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका ये एल्गोरिथम लगाने के बाद अभी भी ये सॉल्व ना हुआ हो, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यही एल्गोरिथम एक बार आपको फिर से लगा देना होगा। जैसे ही आप ये वाला एल्गोरिथम फिर से लगा देंगे, आपका पिरामिड वहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लेट्स से देखते हैं हम लोग के साथ क्या होता है। मैं देखिए, मेरे यहाँ पे वही केस है, कोई अपनी सही जगह पे नहीं है, राइट नीचे किया इसको इधर, अब राइट ऊपर किया फिर से इसको इधर, राइट नीचे इसको इधर, अब राइट ऊपर। देखिए यहाँ पे मैंने किया, मेरा पिछली बार किया था तो हो गया था, देखिए इस बार नहीं हुआ। तो क्या करूंगा, मुझे जब पता है कि मेरा अभी नहीं सॉल्व हुआ गौतम लगाने के बाद, तो मुझे एक बार और करना होगा, क्योंकि पोजिशन को नहीं चेंज करूंगा, जैसे वैसे ही, और फिर से एक बार लगाते हैं, नीचे इधर ऊपर इधर फिर नीचे फिर इधर और ये ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पिरामिक्स पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका केस नंबर वन था, जब आपका कोई भी एच पीस अपने सही जगह पे नहीं होगा। अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए, हमारा सेकंड केस आ चुका है, इसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा आसान है। इसमें आपका देखिए, मेरा येल्लो हमेशा की तरह बना हुआ है, मैंने इन सबको मैच कर लिया। अब यहाँ पे एक एच पीस, पिछले में तो तीनों अपने सही जगह पे नहीं थे, एक एच पीस अपने सही जगह पे सही तरीके से है। देखिए ये ब्लू से ब्लू पूरा मैच जा रहा है, ये येल्लो से येल्लो मैच हो रहा है, ये अपने सही जगह पे है, बस ये दोनों एच पीस जो है वो सही जगह पे नहीं है। एक्चुअली सही जगह पे अलाइनमेंट में नहीं है, यानी कि देखिए ब्लू रेड है, यहाँ पे ब्लू रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए रेड की जगह ब्लू हो गया, ब्लू की जगह रेड, यानी ये स्वाइप है। सेम यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमारा ग्रीन रेड है, ये अपने सही जगह पे बस ऐसे स्वाइप होना चाहिए। खैर ये तो अपने सही जगह पे है। तो जब आपको ये चीज मिले, आपको एक एल्गोरिथम बता रहा हूँ, वो भी बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है, वो लगाएंगे आपका पिरामिड सॉल्व एक बार में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपके क्यू की पोजीशन क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ, उसका ध्यान रखिएगा। जो आपका बना हुआ वाला है, यानी कि जो यहाँ पे हमारा है, देख रहे हैं ग्रीन ब्लू वाला, जो अपने सही जगह पे सही अलाइनमेंट में, वो हमारा पीछे रहेगा और हमें ये दो गलत वाले अपने सामने मिलेंगे। तो दो गलत वाले सामने, आप क्यूब को ऐसे पकड़िए और एल्गोरिथम कुछ इस टाइप का है, एल्गोरिथम का आधा पार्ट तो राइट हैंड एल्गोरिथम है, तो आप क्या करिए, राइट हैंड एल्गोरिथम लगाइए, ये नीचे ये नीचे ये ऊपर ये ऊपर, इतना किया, इसके बाद क्यू की पोजीशन मत चेंज करिएगा, यू फिर हमारा एल प्राइम, फिर वापस से यू प्राइम और यहाँ पे एल। जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे, देख सकते हैं मेरा पिरामिक्स पूरा सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। ऐसा था, मेरा ये बना हुआ था, ये यहाँ पे दो हेडलाइट दिख रही है, राइट हैंड एल्गोरिथम लगाया था, ये किया मैंने राइट हैंड एल्गोरिथम, यू वाले को ऐसे टर्न किया, इसको मैंने ऐसे टर्न किया, ये वापस कर दिया और ये वापस कर दिया। जैसे मैंने ये किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पिरामिक्स पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड वाला केस था। अब मैं आपको लास्ट केस बताता हूँ, जो कि बहुत सिंपल है। इसमें आपको अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या होने वाला है। तो मैं वाला लास्ट वाला केस को यहाँ पे ले आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना होगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा थर्ड केस आ चुका है। सेम यहाँ पे हमारा यहाँ पे येल्लो पूरा बना हुआ है, यही तीन एच पीसेस को हम लोग को देखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, तीन एच पीस कुछ इस टाइप से होंगे कि दो जो पीसेस हैं उनमें कुछ मैच कर रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ब्लू रेड है, ये रेड रेड मैच हो रहा है, आधा मैच है ये नहीं मैच है, यहाँ पे देखिए ब्लू ब्लू मैच हो गया है, ये वाला हिस्सा नहीं मैच है, और तीसरे में कुछ नहीं मैच है, ना यहाँ ब्लू मैच कर रहा है या ना ग्रीन मैच कर रहा। तो जब आपको ऐसा मिले कि दो एच पीसेस का एक हिस्सा मैच कर रहा होगा और एक एकदम नहीं मैच कर रहा होगा, तो यही आपका थर्ड केस होगा, थर्ड और आखिरी केस हम लोग कह सकते हैं इसमें। लेकिन हाँ, दो पार्ट्स हैं, मतलब आप ये मत सोचिएगा कि चौथा कुछ आ गया है, तीसरा ही, इसमें दो हिस्से हैं, वो मिरर हो जाता है बस। तो अभी आप वो भी समझ जाएंगे कि क्या है। तो जब भी आपको ऐसा मिले कि तीन एच पीसेस में दो कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं, ये रेड रेड देखिए पूरा मैच जा रहा है, ये ब्लू मैच जा रहा, इसका कुछ नहीं मैच जा रहा, तो जिसका कुछ नहीं मैच हो रहा उसको आप पीछे ढकेल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा पीछे जा चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बच कौन से रहे, ये दोनों, और यहाँ पे देखिए एक अपने आप मैच दिख रहा होगा, एक नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए एक राइट आई बन रही है, आग जैसी बन रही है यहाँ पे, तो ये आपका पहचानने के लिए आसान होगा। जो गलत है उसको पीछे ढकेल दिया, सामने में राइट आई बन रही है। अगर राइट आई बन रही है तो मैं आपको एक एल्गोरिथम बताने वाला हूँ, वो लगाएंगे आपका पिरामिड सॉल्व,
और हो सकता है कि जब आप इसको पीछे ढकेलें तो आपका राइट आई नहीं लेफ्ट आई बने, यानी कि ये वाला मैच हो और ये ना मैच हो, तो वहाँ पे दूसरा एल्गोरिथम होगा, उसी का मिरर होगा इसी वाले का, तो वो भी आप अभी मैं आपको दिखा दूंगा और आपका क्यूब वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, पिरामिड्स आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एल्गोरिथम आपको बताता हूँ, आप देखिए सबसे पहले हमेशा की तरह राइट हैंड एल्गोरिथम लगाएंगे यहाँ पे, ये नीचे ये नीचे ये ऊपर ये ऊपर। अब आप करेंगे यू प्राइम, इसको मैंने किया यू प्राइम। अब आप करेंगे एल प्राइम, यानी इसको ऊपर करेंगे, ठीक है। अब वापस से इसको कर दीजिए यू, और ये जो आपने किया था इसको वापस आप ऐसे कर दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पिरामिड्स यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फिर से राइट आई वाला यहाँ पे केस ला दिया हूँ, जो मेरा एकदम मैच नहीं कर रहा था वो यहाँ पे मेरा पीछे जा चुका है, एक ये मैच कर रहा है, यहाँ पे राइट आई दिख रही है, क्यू को मैं ऐसे पकड़ूंगा और यहाँ पे मैं एल्गोरिथम फिर से वही वाला लगाता हूँ जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, तो आपका एक बार में सॉल्व हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो इस बार मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, राइट हैंड एल्गोरिथम लगाएंगे तो ये नीचे ये नीचे ये ऊपर ये ऊपर। अब ये वाले को मैं ऐसे टर्न करूंगा एंटी क्लॉक वाइज, यानी कि यू प्राइम, फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे एल प्राइम, फिर इसको वापस टर्न कर देंगे ऐसे, और ये जो किया था ऊपर ये वापस नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही बार में आपका पूरा पिरामिड्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, आपको दो तीन बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार वो वाला एल्गोरिथम और आपका पिरामिड्स यहाँ पे पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका राइट आई वाला, जस्ट अब लास्ट आपका बचा है फाइनल चीज लेफ्ट आई वाला, वो मैं आपको बता दूं और आप पिरामिड्स सॉल्व करना पूरा सीख जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लेफ्ट आई वाला भी ला दिया हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कैसे आप पहचानेंगे, आपको पता ही है ये एक मैच कर रहा है ग्रीन पूरा, यहाँ पे कुछ नहीं मैच कर रहा, और ये ब्लू पूरा मैच कर रहा, तो कुछ नहीं वाला मैच जो कर रहा है उसको हम लोग पीछे ढकेलेंगे। पीछे ढकेला तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, अब की ये मैच हो रहा और यहाँ पे आपको एक लेफ्ट आई दिख रही है, ठीक है। ये वाला इस बार ऐसा, पिछले बार क्या हुआ था, ये वाला चीज यहाँ पे था, जो अनमैच वाला था वो यहाँ पे था, वो मैच वाला ऐसे यहाँ पे था, अब की उल्टा हो गया है। तो ये आप पहचान सकते हैं कि लेफ्ट आई है। वही एल्गोरिथम जो भी आप लगाएं उसी का मिरर यहाँ पे लगाएंगे। मिरर मतलब क्या होगा, देखिए वहाँ पे आप राइट हैंड एल्गोरिथम से शुरू करते थे, यहाँ लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम से शुरू करेंगे, तो गलत वाला पीछे लेफ्ट आई सामने है। लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम लगाइए, ये नीचे ये नीचे ये ऊपर ठीक है। पिछले बार आप यू प्राइम किए थे तो अब यहाँ पे आप यू करेंगे, यहाँ पे हमने यू किया, अब आर किया, इसको वापस टर्न किया और इसको वापस टर्न किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पिरामिड्स पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, पहले ही वाले मूव का मिरर है। तो टोटल यहाँ पे आपको कितने केसेस मिले, आपको टोटल यहाँ पे तीन केसेस मिले। मैं आपको फटाफट से रिकैप करा देता हूँ, जब आपने यहाँ पे सेंटर्स को मैच कर लिया था पहले आपको क्या मिला था, कोई भी एचपीस अपने सही जगह पे नहीं था, तो कोई भी जब एचपीस अपने सही जगह पे नहीं था तो आपने एल्गोरिथम वहाँ पे फटाफट लगा दिया था, ये नीचे ये इधर वाला जो रिपीट हो रहा था। सेकंड केस आपको क्या मिला था, एक एकदम सही से था, बस दो अपने जगह पे थे, बस स्वैप थे, ये ऐसे हो गया था वो ऐसे हो गया था, तो उसके लिए भी मैंने आपको एल्गोरिथम बता दिया। और थर्ड क्या था कि दो के आधे आधे मैच हो रहे थे, एक एकदम नहीं मैच हो रहा था, तो जो एकदम मैच नहीं हो रहा था उसको पीछे ढकेला, दो पॉसिबिलिटीज मिली, एक राइट आई एक लेफ्ट आई। राइट आई मिली तो राइट हैंड एल्गोरिथम से शुरू किया था, लेफ्ट हैंड लेफ्ट आई मिली तो लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम से मिला। और यहाँ पे आपका पिरामिड्स देख सकते हैं पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। और अगर आप मेरे हिसाब से यार ये वन ऑफ द इजीएस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है पिरामिड्स को सॉल्व करने के लिए। आपका पहला स्टेप तो यार यू नो राइट हैंड एल्गोरिथम और लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम से ही सॉल्व हो गया था, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस थी भी नहीं। तो बस इतना आप जान लीजिए और आप पिरामिड्स को बहुत अच्छे स्पीड में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एंड आई होप आपको कोई भी अब डाउट नहीं होगा। सो या आई होप आपने इंजॉय किया होगा और आपको पसंद आया होगा ये पिरामिड्स का ट्यूटोरियल। सो गाइज आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर आप पिरामिड्स के अलावा और कोई क्यूब सीखना चाहते हैं जैसे कि 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 कोई भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा या फिर आप चैनल से भी चेकआउट कर सकते हैं और उन क्यूब्स को भी सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।